बहुत खतरनाक जाम लगा हुआ है। जो जो ड्राइवर भाई के पास हड़िया बर्तन नहीं होगा उन लोगों को क्या झमला झेलना पड़ता होगा। सरदार जी का मुंह सूख गया है, खाना उना खाएगा नहीं, कहाँ खाना खिलाएंगे, कोई कहाँ मिलेगा, कहाँ है खाना ही। बहुत जाम है जी, 10 किलोमीटर में जाम लगा है, बताइए। दो तीन दिन हो गया इधर में, पूरा हालत खराब चल रहा है। दाल भात चोखा उस्ताद जी, कभी ना हो धोखा। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. नमस्ते भाइयों, कैसे आप सब। आपका भाई के ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं भी हूँ जाम फसल है गले से। तो 8 बजे आए थे गले तो जाम में लगे थे, तो बस थोड़ा सा आगे आए रात भर में। अभी देखिए दिन भर में अभी अब कहाँ तक जाते हैं। यहाँ से नहीं भी तो बाजार जसीपुर 7 किलोमीटर भी होगा यहाँ से। लंबा जाम लगल है जी, देखिए रास्ता खराब होने के कारण से इतना लंबा। ड्राइवर साहब मार के घुसे हमारे सामने, भाई कुछ बोलते नहीं है। क्या हो, क्या दिन हो गया भाई? भाई का प्यार है, भाई भाई का प्यार है। हाँ। देखते हैं जाम, खतरनाक जाम लगल है जी जसीपुर बाजार में ना, रास्ता खराब हो गया उसी का जाम है ना, जसीपुर में ना। हाँ। बजरिया में ना। हाँ। बजरिया में रास्ता खराब हो गया, बहुत बहुत गड्ढा हो गया, तो उसको ना रास्ता के बना रहा है। तो एक साइड रास्ता बंद किया, एक साइड चालू है, तो उसी का जाम लगा हुआ है। यहाँ पर जाम नहीं लगता, खाली लाल मिट्टी वाला गाड़ी ना, खाली लाल मिट्टी गाड़ी है हजारों हजार। का हो देखते बेचारे का मुंह सूख गया जाम में। रात में खाना भी नहीं खाए, नहीं खाए, नहीं सामान नहीं है बनाने वाला। होटल में कुछ खा के सो गया रात में। बताइए भैया लो, इस जाम में जो भाई के पास सामान नहीं होगा बनाने का तो क्या खाएगा, सुपारी? बताइए क्या करे भैया लो, ड्राइवर के लाइफ बहुत, ड्राइवर के लाइफ में बहुत कुछ झमेला झेलना पड़ता है लफड़ा। देखिए सब सरदार जी सब लाइन में देखते, सब चाय पी रहे हैं। आओ ड्राइवर साहब लोग, इतना बुरा हाल है। देखते सरदार जी का मुंह सूख गया है, खाना उना खाएगा नहीं, कहाँ खाना खिलाएंगे, कोई कहाँ मिलेगा, कहाँ है खाना ही। बहुत जाम है जी, 10 किलोमीटर में जाम लगा है, बताइए कितना हजार गाड़ी होगा। रास्ते से कितना सा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़े है। कहाँ वहाँ से 2 किलोमीटर आए होंगे, आज देखिए निकलते कि नहीं। बहुत लंबा जाम लगल है, टाइम बज गया है 10, लाइन नहीं बढ़ रहा है जी, बहुत माथा दर्द कर रहा है जी, समझ गए नहीं। तो क्या करें, भूख लग गया है, खाना तो खाना पड़ेगा। तो इसमें चावल आलू चढ़ा दिया हूँ, आज खाना बनेगा दाल भात चोखा। उस्ताद भी बोले हैं दाल भात चोखा बना लो। चलिए यहाँ पर भैया लो, अच्छा किए कल हम पानी भर लिए, नहीं तो आज आपका भाई का ना हलवा टाइट हो जाता, क्योंकि यहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है। बहुत दूर से पानी, ड्राइवर भाई लोग देखा हूँ बहुत दूर दूर से भर के ला रहे हैं। देखिए इधर गिर रहा है, मेला है भैया लोग, ड्राइवर भाई लोग बहुत दो दिन ड्राइवर से बात किए है, बोलता भैया बहुत कष्ट में है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है जी, पानी कुछ नहीं मिल रहा है, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है, समझे कि नहीं। लंबा लंबा बहुत लंबा जाम है, यहाँ से जसीपुर 6 किलोमीटर है, समझ जाइए कितना गाड़ी होगा 6 किलोमीटर में, और डबल डबल लाइन है। रात भर आपका भाई देखिए जागा हुआ है, देखिए देखते आँख में गर रहा है, क्योंकि तो एक घंटा सोए है रात भर में, क्या कीजिएगा, अकेला आदमी में बहुत झमेला झेलना पड़ता है भैया लो। बहुत कष्ट है भैया लो, गाड़ी लाइन भैया लो यही है ड्राइवर खलासी भाई लोग जिंदगी, कब क्या हो जाएगा गाड़ी में किसी को नहीं पता। जाते गुरु जी के बुला के लेके आते हैं, फिर खाना उना खाते हैं। देखिए गाड़ी जी कच्चा मिट्टी में नीचे उतार दिया है, ओवरलोड गाड़ी, देखिए ना पलटी मारने से बच गया है, देखिए कैसे उतारा है, देखिए देखते हैं बाबा रे क्या माल है, कोयला वाला लगता है, कोयला लूट किया हुआ है। निकालते खाना, खाना निकाल, हाँ लाइन नहीं बढ़ रहा है, ये लाइन बढ़ता है, रात से तो लाइन नहीं बढ़ रहा है, खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं बना है, सामान नहीं है, सामान है लेकिन ये नहीं है, क्या नहीं है,
सब बर्तन सारा है। हाँ। राशन नहीं है। राशन नहीं है, राशन क्यों नहीं लिए? अंदर जाम लगल है तब। कंटेनर वाले भैया है, इनको पता नहीं है जाम लगल है, सामान वामान नहीं लिए। तो क्या खाइए, मिठाई जंगल में? एक तो होटल है पीछे है। क्या मालूम है, हम लोग को मालूम ही नहीं। मालूम नहीं था जाम लगेगा ऐसा? मालूम नहीं था आपको? ढाबा चोखा बन गया है, देखते है पहली मार दिए है। आइए पधारिए। दे टोपी पहन लिए, बोलते हैं टकला है टोपी दो, डाल के पूरा मक्खन बना दिए। ठीक हुआ हो चोखा? चोखा जो खाएगा वो भी धोखा, जो नहीं खाएगा उसका भी धोखा। धोखा धोखा मिलता है इससे। वो बोला खाते खाना, देखते कब तक जाम में से हम लोग निकलते हैं। काजी दो दिन तो हो गया है, आज दो दिन रहेंगे ना? दो दिन रहेंगे, खाने के लिए टेंशन नहीं है, सिर्फ काली पानी का टेंशन है बस। सामान सब फूल है। भात दाल चोखा खिला दिया, नींद आ रहा है। अरे भाई उम्र हो गया मेरे को, उम्र हो गया, हमारा जैसे जवानी थोड़ी थोड़ी मेरे को। लाइन देखिएगा, गाड़ी का लाइन कितना लंबा लाइन है, देखिए मस्त लग रहा है ना, ये देखिए। और यहाँ से जसीपुर बाजार है 5 किलोमीटर, देखिए शाम तक होता कि नहीं पार। काजी नहीं होता लगता, उम्मीद नहीं है आज, नहीं है चांस नहीं है। 2 घंटा में सिर्फ 10 गाड़ी बढ़ता है ना जी, 10 गाड़ी बढ़ता है 2 घंटा में। लोकल वाले ओवरटेक करके चला जाते हैं, जो सब गाड़ी छोड़ते होंगे वो तो वो लोग पहुँच जाते हैं, तो हम लोग कहाँ से ही लेंगे। लफड़ा में फंसे है जी, इस वाला लफड़ा ही लफड़ा है। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah I'ma do it my way. अभी टाइम बच चुका है 4:30, अभी तक गाड़ी जाम में फंसा हुआ है, देखिए लाइन लंबा है। अभी हम जैसे पूछ के था पीछे है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जैसे और बाजार है, लगता है सुबह हो जाएगा काजी। हाँ बाजार तक जाते जाते जो है 5-6 बज जाएगा। हाँ कुछ बोलिए कस के। 5-6 बज जाएगा बाजार तक जाते जाते, हम लोग का जो है समय 2-3 दिन हो गया इधर में, पूरा हालत खराब चल रहा है अभी। ये भाई साहब के ना डाबरी करते है, सामान रखते है, बताइए होटल में खा रहे है? नहीं होटल में तो अभी फिलहाल खा रहे हैं, सामान खत्म हो गया, क्या करें। तो जंगल में क्या खाते? कल रात में जंगल में थे, खिचड़ी बनाए थे। अच्छा खिचड़ी है? हाँ। देखिए मेरा गुरुजी का चिकना हो गया है, देखते हैं एकदम चिकना हो गया है। क्या खाना बनेगा जी अभी बाबू? दाल रोटी बनाओ। दाल रोटी? जंगल का सब्जी बनाएंगे, जंगल में साग। देखिए भैया लोग सामने में पहाड़ है, रात में ना चिल्लाते है तो चिल्लाते है तो पहाड़ से आवाज ना वापस आता है, टक्कर लेता है। क्या बोले, कॉमेडी मैन है जी, क्या बोले हम। लोग हम लोग आ चुके हैं टांगा बिल्ला, तो गाड़ी का पूरा हवा कम था, नया टायर लिए था ना उसमें 100 हवा दे ले था, अभी जाएंगे ना कलकत्ता तो उसको हलवा टाइट कर देंगे, बताइए 100 हवा दिया है तो हवा सब चेक कर लिए है। अभी टाइम 11 बज गया है, तो वहाँ से 9 बजे निकले थे जाम में से 9:30 बजे। देखिए गुरुजी सो गए थे खटिया पे, देखते पकवाल है क्या जी, चलिएगा। नींद आ रहा जी, रात भर सोए नहीं थे, देखते आँख चढ़ रहा है। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, और गाड़ी अभी भैलो अभी गाड़ी चलाएंगे काजू पानी तक, काजू पानी पार करके सो जाएंगे। वो बोले हैं चलो काजू पानी पार करते हैं, तो अभी 4:11, तो मुझे वही 1:30 बज जाएगा। अरे भैलो 24-25 घंटा जाम में रहे, ज्यादा 8 बजे आए थे 11 बजे निकले ना, हाँ 24 घंटा जाम में रहे, बताइए।
में लो, आपका भाई खाना पीना खा लिया और खा के आगे गाड़ी में, नींद बहुत आ रहा है जी। कल रात भर सोए नहीं थे, सिर्फ एक घंटा सोए थे, उसलिए आज नींद बहुत आ रहा है। अभी टाइम भी 2 बज गया जी बाबा रे। तो खाना वाना खा लिया, अब सोते है, सुबह उठेंगे फिर निकलेंगे। सोचे आगे जाएंगे, देवघरगढ़ पार कर लेंगे, फिर सोचे सो जाते हैं क्योंकि नींद आ रहा है। टाइम बहुत हो चुका है, सुबह उठना भी है। तो भैया लोग ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, जय हिंदी।